हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी मैं जो हमारे IFB डिशवॉशर की न्यू पैकिंग आई है ना डिटर्जेंट की, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और उसके ना मैं कुछ नुकसान आपको बताऊंगी जी, क्योंकि देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ये जो पाउडर है किधर से मंगवाते हैं। हम डायरेक्ट कंपनी से ये पाउडर है, डिटर्जेंट वगैरह, सॉल्ट वगैरह जो भी है, जो भी हम इसका सामान मंगवाते हैं ना डिशवॉशर का, तो हम डायरेक्ट कंपनी में फ़ोन करते हैं। क्योंकि जब भी हमने डिशवॉशर लिया था ना, तो वो डिशवॉशर की सेटिंग करने आया था ना जो भैया, तो वो कंपनी का ही आदमी था, तो उन्होंने अपना नंबर दे दिया था हमें कि अगर आपको कुछ इसकी पार्ट्स वगैरह कुछ चाहिए रहेंगे, आगे चलकर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पार्ट टूट जाता है, कुछ नया मंगाना है, या फिर डिटर्जेंट वगैरह आपको चाहिए रहता है, तो मुझे कॉल कीजिए, तो मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूंगा। तो हम लोग जी देखिए अभी 3 साल के ऊपर हो गया है मेरे डिशवॉशर को, मतलब थोड़ी बहुत कभी कभार स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, जो कि हमारी बहुत जल्दी सॉल्व हो गई थी प्रॉब्लम। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई डिशवॉशर में। तो हम जी फिर उसको ही फ़ोन कर कर, मतलब जो भी हमें चाहिए रहता है पाउडर वगैरह मंगवाते हैं। लेकिन इस बार जो नई पैकिंग आई है ना पाउडर की, तो वो है ना पैकिंग में ना मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। अभी मज़ा क्यों नहीं आया मैं आपको दिखाऊंगी अभी डिशवॉशर में, क्योंकि जो बर्तन है ना, मेरे हिसाब से बर्तन उतने चमक नहीं रहे जितने मतलब पहले हो रहे थे। जब से मैंने ये न्यू पैकिंग का पाउडर इसमें यूज़ किया है ना, ये प्रॉब्लम मुझे तब से आई है। पहले की जो पैकिंग थी ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अभी मुझे 3 साल देखिए हो गए हैं यूज करते हुए। और मैं क्या करती हूँ जी, मैं ऑनलाइन ये ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि ऑनलाइन पर ना मुझे भरोसा नहीं है। हमारी इतनी महंगी चीजें रहती है, इतनी महंगी मतलब ये डिशवॉशर है जो 35-40 हज़ार का, तो हम लोग देखिए अगर ऑर्डर कर मंगाएंगे ना ऑनलाइन, मतलब की बात कर रही हूँ मैं ऑनलाइन की, ऑनलाइन मंगाएंगे ना तो ऑनलाइन जी धोखाधड़ी बहुत चलती है। मैं तो सीधी सी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बार आधी बार हो चुका है ऐसा, तो इसीलिए ना मैं कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती। मैं कंपनी में ही फ़ोन करती हूँ जब भी कुछ मंगवाना रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले जी मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, मेरा इसके अलावा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉगिंग चैनल पर जाके मेरे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना जी। और उस चैनल का लिंक जी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज मेरे चैनल पर विजिट जरूर करना। तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ जी हमारे IFB के जो डिशवॉशर है उसके डिटर्जेंट की न्यू पैकिंग। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाई थी ये वाली पैकिंग जो न्यू आई है। पहले ऐसा एक डब्बा था इसका डिटर्जेंट का, लेकिन अभी उन लोगों ने ऐसी पैकिंग कर दी है इसकी। और इसके ऊपर देखिए ये ऐसे दो ढक्कन है, ऐसे एक ऊपर से है, और इधर से देखिए ये ढक्कन से हम मेजरमेंट कर इसमें पाउडर डाल सकते हैं अपने को, जो भी मतलब जितना हमें चाहिए उतना। और इधर से भी ये खुलता है देखिए ऐसे। बाकी ये जो हमारा सॉल्ट है ना, उसकी तो पैकिंग वैसी ही है। देखिए मुझे ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप डिटर्जेंट कौन सा यूज़ करते हो, क्या हम मतलब कोई और ये ब्रांड का डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखिए मैंने कभी नहीं यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर हम सेम ब्रांड का ही करते हैं, सेम कंपनी का ही डिटर्जेंट वगैरह सॉल्ट वगैरह इसमें यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है। और ये देखिए ये हमारे सॉल्ट की तो पैकिंग वैसी ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, सिर्फ इसमें जो है रेट का चेंजेस हुए हैं। रेट देखिए इसका जी पहले तो 150 था, और अभी इसका रेट 190 हो गया। लेकिन मुझे ना ये पुरानी पैकिंग मिली है, और उसमें ये जब ये मेंशन किया हुआ है तो रेट इधर 150 ही लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, किधर गया रेट। ये देखिए जी ये इधर 150 ही लिखा हुआ है इसका रेट है जो, लेकिन अभी ना इसका रेट मतलब हम लोग ऑर्डर कर मंगाते हैं ना, तो वो जो मतलब डिलीवरी बॉय आता है ना, तो उसने बोला है कि इसका चेंज हो गया है, इसका 190 हो गया है रेट। तो ये जो हमारे डिटर्जेंट की न्यू पैकिंग आई है ना जी, इसका देखिए 400 है प्राइस, 1 किलो का है ये दोनों। ये डिटर्जेंट भी 1 किलो है और सॉल्ट भी 1 किलो का है। और डिटर्जेंट की ना पहले का रेट 350 था, और अभी इन लोगों ने 50 रुपीज़ और बढ़ा दिए। लेकिन ये जो न्यू पैकिंग आई है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप सोचेंगे कि क्यों नहीं अच्छी लगी, तो ये देखिए जी ये मेरे पास पुराना डब्बा पड़ा हुआ है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ही है, एक आधे दिन का रह गया है इसमें पाउडर है। इसमें क्या है ना जी, हम इसको इधर से ओपन कर यूज़ करते हैं, और ये मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
आप ऐसी आवाज सुन सकते हैं ना, तो इसके अंदर है ना जो इसके पाउडर की ना गुठलियां बन गई है, और गुठलियां भी काफी बड़ी बड़ी बनी है, मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। और ये है ना जो मतलब हम लोग इसे निकाल भी नहीं सकते, देखिए अंदर देख रहे हैं ना आप, काफी बड़ी है। मैंने इसको इधर से निकाल करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं निकली वो गुठली। अगर इसकी पैकिंग ऐसी ही होती थी ना पहले के जैसी, तो हम इसको आराम से मतलब स्पून से इसको यूज़ कर सकते थे। और जो भी गुठलियाँ वगैरह, अब पहली बात तो मैंने इतने साल से, मैं 3 साल से ऊपर हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, ऐसे वाली पैकिंग में कभी भी इसकी गुठली नहीं बनी। तो अगर बन भी जाती थी तो हम इसको इजीली इधर से निकाल लेते थे, तो इसलिए मुझे ये पैकिंग है जो अच्छी नहीं लगी, इसका इतना थोड़ा सा मुझे नुकसान लगा है। अभी इसको ऐसे मैं ज़ोर से हिला रही हूँ और ये थोड़ा सा भी टूट भी नहीं रहे, और इसको अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हम डंडे से इसको फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं देखती हूँ क्या करेंगे इसका। चलिए जी, मैं आपको थोड़े से बर्तन दिखा देती हूँ कि मुझे क्यों नहीं मज़ा आ रहा। हो सकता है कि कैमरा में अच्छे दिख रहे हो बर्तन, देखिए कैमरा में थोड़े लग रहे हैं साफ, लेकिन आप ना मेरे अगर पहले की वीडियोस देखोगे ना तो उसमें एकदम शाइन करते हैं बर्तन। आप देखना अभी की वीडियो और पहले की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखिए मुझे ना ये मज़ा नहीं आया ये बर्तनों में, जब से मैंने ये पाउडर यूज़ किया है ना न्यू पैकिंग का, तो उतने ज़्यादा चमक नहीं रहे मेरे बर्तन है जो मैंने अभी आपको दिखाए ना। तो इसका ना मतलब ये भी एक मुझे नुकसान लगा है ये न्यू पैकिंग का। तो आज की वीडियो में हम फिल करेंगे जी इसमें हमारा जो सॉल्ट है, देखिए चलिए इसको ओपन कर देती हूं मैं और आपको दिखाती हूं सॉल्ट कैसा होता है। और ये दिखने में तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे लगता है ना जैसे पिंक कलर की मिश्री है ये, खाने को दिल होता है। तो आज हम इसको फिल करेंगे डिशवॉशर में हमारे। और ये सॉल्ट फिल करने के लिए ना हमें ऐसा एक साथ में ना, हम जब भी डिशवॉशर लेते हैं ना तो साथ में कई सारे इसके टूल्स वगैरह मिलते हैं, तो ये सॉल्ट फिल करने के लिए हमें साथ में एक फेनल मिला था जिसको हम कीप भी बोलते हैं। तो ये देखिए जी, ये ना जो सॉल्ट रहता है 1 किलो का डब्बा, हमारे 4-5 महीने आराम से चल जाता है ये। तो हमारे डिशवॉशर में ना जी सॉल्ट जब भी ख़त्म हो जाता है तो हमें ये सिग्नल आ जाता है, देखिए एस जो बना हुआ है ना, एस होता है सॉल्ट का, और इसके आगे रेड लाइट आ जाती है। जब भी हम इसको फिल कर देंगे ना तो रेड लाइट है जो अपने आप चली जाएगी। और ये जो रहता है स्टार बना हुआ है, ये शाइनर का रहता है, और ये तो मुझे आपको मालूम ही है मैम, नहीं यूज़ करती इसे। तो चलिए हम अभी सॉल्ट इसमें फिल करेंगे। पहले ना मैं ये नीचे वाली बास्केट है जो निकाल देती हूँ। तो इसको खोलने के बाद देखिए जी, ये जो इधर देखिए, ये तो फिल्टर रहता है, ये तो मालूम है, और इधर हम इसमें सॉल्ट फिल करेंगे। ये बहुत ही इजीली देखिए निकल जाता है ऐसे, और इसमें हम डालेंगे ये कीप और सॉल्ट ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। ये ना थोड़ा सा इसको बस टाइम लग जाता है, क्योंकि ये है ना पूरे, ये देखिए पीसेज है ना इसके बड़े बड़े, तो इसको अंदर जाने तक मतलब टाइम लगता है। तो इसको ऐसे हम मतलब ये ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके इसमें ये फिल कर देंगे। तो ये जो 1 किलो का पैक है ना, ये एक टाइम में पूरा इसमें आ जाता है। सॉल्ट फिल कर दिया है जी हमने, और ये देखिए मैं आपको अभी ऑन कर दिखाती हूँ। देखिए इधर एस के ऊपर जो सिग्नल आ रहा था ना रेड, और वो अभी चला गया है क्योंकि इसमें हमारा है जो मतलब सॉल्ट है जो फिल कर दिया है हमने। तो ये जो सॉल्ट है ना जी, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही जी, मैंने सिर्फ आपको ये जो हमारी न्यू पैकिंग है इसके नुकसान बताने थे, और मैंने आज आपको सॉल्ट भी इसमें फिल कर दिखा दिया है जी। तो आज की वीडियो को करते हैं जी इधर ही एंड। अगर अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।